नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर सियासी गलियारे से है, जहां सुशील मोदी के बयान ने बवाल मचा रखा है। दरअसल सुशील मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में विलय कर जाएगी, यानी जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी जेडीयू के जो कई सारे विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ जाने से नाराज हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगले चुनाव में उनका टिकट न काट दिया जाए, उनका टिकट काट कर आरजेडी को न थमा दिया जाए, ये डर है। और साथ ही सुशील मोदी ने ये भी कहा था कि कई सारे जो विधायक हैं जेडीयू के वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो जो सुशील मोदी का ये बयान है, अब रास नहीं आ रहा है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू। आरजेडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुशील मोदी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान आया है, सुन लीजिए आप। जी का हम नहीं रिएक्शन देंगे, इसलिए कि सुशील मोदी का पता नहीं कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं बेचारे। अब क्या बोलते हैं, रिएक्शन देना उचित नहीं है, बड़े भाई हैं और रिएक्शन देना उचित भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका बिना सिर पैर का बयान रहता है। क्या बोलते हैं, अब वहाँ अपना जगह बनाने के लिए केंद्र में अपना हाथ पैर मार रहे हैं, और कोई बात नहीं। तो सुन लिया आपने, भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि सुशील मोदी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो खुद को सेट करने में लगे हैं। दिल्ली में दरअसल उन्हें भेजा गया यहाँ से सांसद बनाकर, उसके बाद से उनकी दिल्ली में सेटिंग नहीं हुई, तो वो सेट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सुशील मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो व्याकुल भारत हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, ये भी सुन लीजिए आप। ये कगार पर पार्टी आने वाली है, जेडीयू में बैठ टूट हो गई, इससे भी हम कह रहे हैं आप लोगों को, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी व्याकुल भारत है, व्याकुल है। सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के अंदर एक एजेंट अपॉइंट किया था, वो एजेंट पकड़ा गया तो अभी बेचारे रोड पर है। अब उनको तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करा रहा है, कम से कम उनको भी तो ज्वाइन करा लेता भाई, उनका यूज किए हो तो यूज करके थ्रो कहाँ कर रहे हो। तो हम लोग सुने कि बहुत दिन से कोशिश में है लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करा रहा। लेकिन सुशील मोदी जी दिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता है, आप चिंता न करें। जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया है वह अटूट है और अटूट रहेगा। आप सिक्का टूटने का इंतजार करते रहिए ताकि उसका दही का जो छाली होता है उसको खा सकिए, कुछ नहीं मिलेगा। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कहाँ सरजमीन पर खड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि इन दोनों सीटों पर उनको पता लग जाएगा। भाई हमने कहा कि 6 तारीख को ना पता चलेगा, बीजेपी का कहने से तो नहीं होगा। बीजेपी तो जरा 2020 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। 2020 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की विधानसभा में चुनाव में 42 आम सभा किया था। तो सुन लिया आपने कि जेडीयू हो चाहे आरजेडी, उसे ये बयान रास नहीं आ रहा है। सुशील मोदी का जो बयान है वो रास नहीं आ रहा है। हालांकि बात करें आरजेडी की तो अंदर अंदर जरूर इस बयान को लेकर आरजेडी में बातें खिल रही होंगी शायद, कि आरजेडी का में अगर जेडीयू का विलय हो जाएगा तो आरजेडी मजबूत हो जाएगी, भले ही नीतीश कुमार कमजोर हो जाए। खैर, जेडीयू हो या आरजेडी, दोनों सहयोगी पार्टियां हैं, तो दोनों मिलकर सुशील कुमार मोदी के इस बयान की मुखालफत कर रही हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सुशील मोदी बिहार की सियासत पर की नब्ज को जानते हैं, पहचानते हैं, और बिहार में जब वो सियासत में थे, जब बिहार में सक्रियता थी उनकी, तो उस वक्त नीतीश कुमार के खासम खास भी थे और सरकार में नंबर 2 भी थे। तो फिलहाल इंतजार कीजिए,
बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।